गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज मैं आप सबों को नोबेल प्राइज से संबंधित पांच दिलचस्प बातें बताऊंगा, फाइव इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज ये 1895 के अल्फ्रेड नोबेल जो केमिस्ट है साइंटिस्ट हैं उनके विल के अनुसार दिया जाता है। और ये पांच विषय होते हैं, दे आर फाइव सब्जेक्ट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर। एंड आफ्टर 1969 के बाद इकोनॉमिक्स को भी नोबेल प्राइज की सूची में डाला गया। अभी कल 2022 के जो भी नोबेल प्राइज विनर्स होंगे, दोज हु हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन डिफरेंट फील्ड्स इन 2022, यू विल सी अ नेक्स्ट वीडियो, अलग से वीडियो को आप देख पाएंगे किनको दिया गया और क्या क्या उनका कंडीशन है। आज आई एम विद फाइव इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नोबेल प्राइज। सी, पहली बात, 1901 से 2021 के बीच कुल 943 लोगों और 25 संगठनों ऑर्गेनाइजेशंस को यह प्राइज मिल चुका है। पहली बात इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1901 से 2021 के बीच कुल 943 लोगों और 25 संगठनों को यह प्राइज मिल चुका है। दूसरी बात, अब तक सिर्फ 58 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है, जिनमें से आधी से ज़्यादा महिलाओं को 2001 के बाद ही पुरस्कार मिला है। और तीसरी बात, सबसे कम उम्र 17 वर्ष में यह पुरस्कार हासिल करने का रिकॉर्ड मलाला यूसुफ जई के नाम है। नेक्स्ट जो तथ्य है नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए वो ये कि इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे उम्रदराज ओल्डेस्ट मैन व्यक्ति जॉन बी गुड एनएफ हैं, उन्हें यह पुरस्कार 98 साल की उम्र में मिला। पांचवा, फिफ्थ फैक्ट, एक ही परिवार में सबसे ज्यादा 5 नोबेल पुरस्कार हासिल करने का रिकॉर्ड क्यूरी परिवार के नाम है। मेरी क्यूरी को 2 बार, उनके पति पियरे क्यूरी को 1 बार, वहीं उनकी बेटी आइरीन क्यूरी और दामाद फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी को 1-1 बार यह पुरस्कार मिला। क्यूरी परिवार
मुझे और हम सभी को आप पे गर्व है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर गिविंग मी ए पेशेंस लिसनिंग।